नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेवारी से किसी भी विषय को रखनी चाहिए। जो भी पुल गिरे हैं किसके पीरियड के हैं, उस विभाग के आप मंत्री थे, आपने क्या समीक्षा की थी? एक भी बैठक वो अपने विभागीय मंत्री रहते हुए किए हैं क्या? इसका पुल के रख रखाव का जानकारी लेने का प्रयास किए हैं? पुल के गुणवत्ता, डिजाइन और प्राकलन में गड़बड़ी का तो कभी अपनी समीक्षा करना नहीं है। उन्हीं के पिताजी के पीरियड का है, उन्हीं के सहयोगी दल कांग्रेस के पीरियड का है, उन्हीं के पीरियड का है। एक भी उन्होंने जिम्मेवारी से न समीक्षा किए, न कार्रवाई किए, न रख रखाव के लिए पॉलिसी बनाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में स्थल पर जाकर के न निरीक्षण किए, न मॉनिटरिंग किए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ट्वीट करना, लोगों को बरगलाना, भ्रम की वातावरण फैलाना, यही उनकी कार्य है। सर, विशेष राज के दर्जे की मांग को लेकर के सर जो है वो धूप पकड़ रहे हैं, बट जेडीयू कह रही है, मानसी की पार्टी भी कह रही है, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज का दर्जा। देखिए, विकसित बिहार के पक्ष में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सभी लोग है। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार आगे बढ़े और विकसित बिहार के लिए भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, विकास की सोच रखने वाले के साथ एक बेहतर काम करने का प्रधानमंत्री जी का जो भावना है, उस भावना के साथ सभी सहमत। अग्निवीर को लेकर के सरकार की तरफ से आया है कि 10% जो एक्स अग्निवीर हो जाएंगे उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको जो है हवलदार हो चाहे CISF में भर्ती करना चाहिए, जिसको लेकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर के विपक्ष ने जो है और टुकड़े टुकड़े गैंग ने माहौल बनाया था, सिर्फ अफवाह फैलाया था। देखिये, अग्निवीर जो है वो देश के लिए एक बड़ी हमारी सैन्य संगठन को मजबूती प्रदान करने वाला, नौजवानों को, हर नागरिक को प्रशिक्षण की जरूरत है, उसमें ये बड़ी भूमिका निभाएगा। और यही लोग कल बड़ी घटना, आपदा, देश के ऊपर विपत्ता में ये लोग मददगार बनेंगे और इस भावना को पूरा देश धीरे धीरे स्वीकार करेगा। अग्निवीर पूरी तरह से इजराइल के पैटर्न पर हर नागरिक सैन्य एजुकेशन से सुशिक्षित और हमारा राष्ट्र को अनुशासित मजबूती प्रदान करने का माहौल, इसी में कई तरह के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रशिक्षित लोगों की आज कई क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट के सेक्टर में भी जरूरत है, इसका लाभ भी दिखाई पड़ेगा।